चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही बेंगलुरु ने 5 विकेट गंवा दिए हैं। फाफ डू प्लेसिस ने बेंगलुरु को तेज शुरुआत दिलाई थी। बेंगलुरु ने शुरू के ही 3 ओवर में 33 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने अपने 1 ओवर में चेन्नई को फाफ और रजत पाटीदार के रूप में 2 झटके दिए। इसके बाद दीपक चाहर ने अपने अगले ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को पवेलियन की राह दिखाकर बेंगलुरु को 3रा झटका दिया और फिर मुस्तफिजुर रहमान ने अपना कमबैक करते हुए पहले भी विराट कोहली को कैच आउट करवाया और उसके बाद ग्रीन को बोल्ड कर दिया। इससे पहले भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।